हेलो फ्रेंड्स, लर्न इट वन क्लिक चैनल पे आपका स्वागत है। और आज 6 अगस्त 2017 है और आज की करंट अफेयर लेकर आ गया हूँ, जो कि द हिंदू न्यूज़पेपर, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, इकोनॉमिक्स आउटलुक, जो कि वेरियस गवर्नमेंट एग्जामिनेशन जैसे SSCCGL हुआ, RRB, IBPS, RBI, UPSC एस्पिरेंट के लिए इम्पोर्टेंट है फ्रेंड। ओके, सबसे पहले हम हेडलाइंस की बात कर लें तो आज की टोटल 20 हेडलाइंस हैं, 20 न्यूज है जिसको मैं पहले हेडलाइंस के रूप में कवर कर ले रहा हूँ। रिकमेंडेशन ऑफ जस्टिस श्री कृष्ण कमेटी टू रिव्यू द इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ आर्बिट्रेशन मैकेनिज्म गेन एयरपोर्ट इन आंध्र प्रदेश। एडॉप्ट न्यू रिजोल्यूशन, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल मूव टू थ्रॉट टेररिस्ट एक्सेस टू वेपन। साउथ ईस्ट एशिया एशियन डेवलप डिप्लोमेट ओपन टॉक इन मनीला। कैनरा बैंक हिट ओवरसीज बॉन्ड मार्केट विद $400 मिलियन इशू। कोटक बैंक्स न्यू फॉरेक्स सर्विस कोटक रेमिट्स फॉरेक्स रिजर्व सर्ज टू रिकॉर्ड $392.86 मिलियन। कंपनीज टू डिस्क्लोज बैंक डिफॉल्ट विद इन वन डे सेवी। L&T साइन फर्स्ट EPC कॉन्ट्रैक्ट विद इंडियन रेलवे एस आर्म टू बिल्ड कोल मिट टर्मिनल एट बैरा पोर्ट। चावर पोर्ट लाइकली टू बी ऑपरेशनल बाय 2018। टाटा मेमोरियल टाई अप विद IDA फॉर प्रिवेंशन ऑफ ओरल कैंसर। L&T backs $3,375 crore Mauritius Metro project. Donald Trump appoints 3 Indian American to key government post. UPCM makes Akshay Kumar the new brand ambassador of Swachh Bharat Mission. Payback announced Gautam Kaushik as a new CEO. President Paul Kagame wins the Rwanda election by landslide. ISRO and CSIR NPL sign MOU for time and frequency traceability service. Khel Ratna recommendation for Paralympian Jhajharia Sardar. Joshna and Deepika get bronze at World Doubles Squash Champion. Hi friends, आज अब न्यूज को डिटेल्स में एनालिसिस करते हैं। देखिए, 13 जनवरी 2017 को 10 मेंबर की एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई थी और इसके चेयरमैन बनाया गया था सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जस्टिस जस्टिस BN श्री कृष्णा जी को। और इन्होंने एक रिव्यू सेटअप किया है और रिव्यू इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ आर्बिट्रेशन मैकेनिज्म पर है और इस रिव्यू को ये यूनियन मिनिस्ट्री को रिकमेंडेड कर दी है फ्रेंड। ओके, तो बस याद रखने वाली ये चीज़ है कि हाई लेवल कमेटी जो बनाई गई है रिव्यू करने के लिए इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ आर्बिट्रेशन मैकेनिज्म को, तो इसके चेयरमैन कौन है, तो जस्टिस BN श्री कृष्णा जी हैं। ओके, ग्रीन एयरपोर्ट इन आंध्र प्रदेश। देखिए, वर्ल्ड का पहला ग्रीन एयरपोर्ट बन गया है कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ओके, कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड जो कि वर्ल्ड का फर्स्ट ग्रीन एयरपोर्ट है और यहाँ पर सारे ऑपरेशन सोलर सारे इलेक्ट्रिसिटी जितने भी मोड के इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किए जाते हैं वो सोलर एनर्जी के थ्रू किए जाते हैं और जितना भी ऑपरेशन परफॉर्म होता है वो सोलर एनर्जी के थ्रू होता है। और इसी संदर्भ में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने तिरुपति एयरपोर्ट और विजयवाड़ा एयरपोर्ट को भी सोलर पावर प्लांट इंस्टॉल करने के लिए इनोग्रेट किया है और यहाँ पर 1 मेगावाट की सोलर पावर प्लांट इंस्टॉल किया जाएगा तिरुपति एंड विजयवाड़ा एयरपोर्ट पर। देखिए, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पूरे इंडिया में 29 एयरपोर्ट को सोलर पावर प्लांट से रन करने के लिए सिफारिश की है और ये वहाँ पर सोलर पावर प्लांट इंस्टॉल करने की प्रोसेस भी कंप्लीट कर लिया है और जिसकी टोटल कैपेसिटी होगी 12.84 मेगावाट। ओके फ्रेंड, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने एक न्यू रेजोल्यूशन एडॉप्ट किया है जिससे टेररिस्ट को वेपन परचेज करने में स्मॉल आर्म्स एंड लाइट वेपन को सिलेक्ट करने से रोकने के लिए ये रिजोल्यूशन अडॉप्ट किया है। काउंसिल मेंशन कंटिन्यू फ्लो ऑफ वेपन मिलिट्री इक्विपमेंट अनमैन एयरक्राफ्ट सिस्टम एंड देयर कंपोनेंट एंड इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस IED कंपोनेंट टू बिटवीन द इस्लामिक स्टेट अलकायदा देयर एफिलिएटेड एंड एसोसिएट ग्रुप इलीगल आर्म ग्रुप एंड क्रिमिनलाइज जिनुआ रिपोर्टेड। तो काउंसिल जो है ये जो टेररिस्ट ग्रुप इस्लामिक स्टेट के अलकायदा हुआ इनसे रिलेटेड जो भी ग्रुप हैं तो इनके बीच में आर्म्स एनिमेशन को सप्लाई को रोकने के लिए एक रिजोल्यूशन इन्होंने अडॉप्ट किया है
यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है यूनाइटेड नेशन की 6 प्रिंसिपल ऑर्गन में से एक है और जिसकी एस्टैब्लिशमेंट 17 जनवरी 1946 को हुई थी और इसमें 15 मेंबर होते हैं यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में। एशियान की 50th रीजनल फोरम की मीटिंग मनीला फिलीपींस की मनीला में फिलीपींस कैपिटल मनीला में होने वाली है और यहाँ पर फॉरेन मिनिस्टर साउथ ईस्ट एशियन फॉरेन मिनिस्टर एंड इनके काउंटर पार्ट जो कि US चाइना रशियन जापान एंड 2 कोरियन के भी मिनिस्टर्स आए हुए हैं इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। एशियान जो है एट वर्ल्ड 1967 को फॉर्म्ड हुआ था। इसके हेडक्वार्टर जो है सेक्रेटेरिएट जो है जकार्ता में है, जकार्ता इंडोनेशिया में है। ओके, जिसकी मोटो वन विजन वन आइडेंटिटी वन कम्युनिटी है और चेयरमैन रेडरिगो ड्यूटर्टे हैं और सेक्रेटरी जनरल ले लोंग मिन है। इंडिया एशियान में मेंबर नहीं है, इंडिया एशियान का ऑब्जर्वेटरी मेंबर है। ओके, कैनरा बैंक ने 400 मिलियन डॉलर की डॉलर बॉन्ड इशू किया है और ये बॉन्ड 5 साल का टेन्योर है इस बॉन्ड का और ये डॉलर बॉन्ड सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हुआ और इसकी सेलिंग जो होगी लंदन में कैनरा बैंक के ब्रांच से होगी। कोटक महिंद्रा बैंक ने एक नया फॉरेक्स सिस्टम लॉन्च किया है, सर्विस लॉन्च किया है जिसका नाम है कोटक रेमिटेंस और ये 24/7 वर्क करेगा। आई मीन कि आप किसी भी समय जाकर यहाँ से फॉरेन एक्सचेंज कर सकते हैं, या तो रुपी को फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर फॉरेन करेंसी को रुपी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए कंपलसरी नहीं है कि आप कोटक महिंद्रा बैंक के कस्टमर हो, बस आपके पास आधार कार्ड एंड पैन कार्ड होना चाहिए। आप कस्टमर किसी बैंक के हैं आपको रेमिटेंस मिल जाएंगे। यह कोटक महिंद्रा पर 1985 में फॉर्म हुआ था एज अ कोटक महिंद्रा फाइनेंस लिमिटेड एंड इसकी हेडक्वार्टर मुंबई इंडिया में है और अभी वाइस चेयरमैन MD उदय कोटक हैं। कंपनी को डिस्क्लोज बैंक डिफॉल्ट विद इन वन डे। सेबी ने बैंक को बोला है कि जो भी कंपनी लोन को लोन डिफॉल्टर है उनको विद इन अ डे एक दिन के अंदर में उसकी रिपोर्ट सेबी को देना होगा और ये 1 अक्टूबर 2017 से लागू हो जाएगा। देखिए 18 जुलाई को RBI ने सेबी से बोला था कि हाँ जितने भी बैंक हैं स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड और वो बैड लोन उनके पास NPA ज़्यादा है तो उसको सेबी डिस्क्लोज करे। इसी संदर्भ में सेबी ने सारे बैंक को ये ऑर्डर दिया है कि वे विद इन अ डे उन सारे कंपनी को बताए सेबी को कि हाँ अगर वो इंटरेस्ट या फिर रीपेमेंट ऑन टाइम नहीं करते हैं। इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज है वो अब 392.867 बिलियन डॉलर हो गया है। ओके फ्रेंड, और ये इसलिए हुआ है कि क्योंकि इंडिया L&T ने अपना फर्स्ट EPC इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है इंडियन रेलवे के साथ। जिसकी जिसमें लगभग 2800 करोड़ रुपए की ये एग्रीमेंट है। एसर पोर्ट जो है इंडिया का लार्जेस्ट पोर्ट ऑपरेटर है और इसने गवर्नमेंट ऑफ मोजाम्बिक के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है कि हर साल लगभग 20 मिलियन टन कोल टर्मिनल पोर्ट बनाए, जो कि बैरा पोर्ट पर ये बनाने की बात चल रही है। तो एसर पोर्ट ने गवर्नमेंट ऑफ मोजाम्बिक के साथ ये एग्रीमेंट साइन किया है कि हर साल 20 मिलियन कोल टर्मिनल बनाने के लिए बात हुई है बैरा पोर्ट पर। ओके फ्रेंड, और ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत ये एग्रीमेंट हुआ है। टाटा मेमोरियल ने IDA के साथ टाई अप किया है और ये ओरल कैंसर को रोकने के लिए टाई अप हुआ है। टाटा मेमोरियल जो है ये हेड एंड नेक कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए जाना जाता है और इसने इंडियन डेंटल एसोसिएशन के साथ एक टाई अप किया है जो कि इनिशियल स्टेज में ओरल कैंसर को डिटेक्ट करके इसको रोका जा सके और ये डिजिटल इनिशिएटिव है।
देखिए, जो सिस्टर्न बलूचिस्तान प्रोविंस में छावर पोर्ट बनाया जा रहा है, उसकी ऑपरेशन लगभग 2018 से स्टार्ट होने वाला। और ये जो छावर पोर्ट है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है। और ये छावर पोर्ट इंडिया और ईरान के बीच में लिंक करेगा इस पोर्ट के थ्रू, और ये पाकिस्तान को बाईपास करते हुए इंडिया के वेस्ट कोस्ट से ईरान को जाया जा सकता है। वहीं पर जो ग्वादर पोर्ट है, ये वार्म वाटर डीप सी जो कि अरेबियन सी में है, और ग्वादर पोर्ट भी बलूचिस्तान के प्रोविनेंस ऑफ पाकिस्तान में है। ओके फ्रेंड, लार्सन एंड टुब्रो ने मॉरिशस गवर्नमेंट के साथ ये एग्रीमेंट साइन किया है मॉरिशस मेट्रो को डेवलप करने के लिए। वहाँ पर जो भी लाइट रेलवे एंड अर्बन ट्रांजिट सिस्टम है उसको डिजाइन एंड बिल्ड करने के लिए ये एग्रीमेंट साइन हुआ है, जिसकी टोटल कॉस्ट लगभग 3,375 करोड़ रुपीज़ है। तो फ्रेंड्स, मुझे थोड़ा सा कोल्ड है तो बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। ओके, कोई बात नहीं, ट्राई करता हूँ मैं। डोनाल्ड ट्रंप ने 3 इंडियन अमेरिकन पीपल को गवर्नमेंट पोस्ट पे अपॉइंट किया है, जिसमें से फर्स्ट नेम है नील चटर्जी। इनको फेडरल एनर्जी रेगुलेटरी कमीशन का मेंबर अपॉइंट किया गया है, और ये सेकेंड इंडियन है ट्रंप गवर्नमेंट में जो कि किसी मेजर रेगुलेटरी पोजीशन पर अपॉइंट हुए हैं। वहीं पर कृष्णा आर उर्स को पेरू के एम्बेसडर के तौर पर अपॉइंट किया जा रहा है, और ये जेम्स कैस्कॉट के प्लेस स्थान लेंगे पेरू में। और जेम्स कैस्टॉस थे वो बराक ओबामा के प्रेसिडेंशियल टाइम में अपॉइंट हुए थे पेरू के एम्बेसडर में, और इन्होंने अभी रिजाइन दे दिया है। तो कृष्णा और उर्स अब पेरू के एम्बेसडर होंगे। ओके फ्रेंड, वहीं पर विशाल एमिन को व्हाइट हाउस के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन्फोर्समेंट कोऑर्डिनेटर का पोस्ट मिला है। तो तीन लोग हैं यहाँ पर, 3 इंडो अमेरिकन पीपल हैं, नील चटर्जी, कृष्णा आर उर्स एंड विशाल एमिन। इनको गवर्नमेंट ने, डोनाल्ड ट्रंप के गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है अपने गवर्नमेंट पोस्ट पर। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने इंडियन एक्टर अक्षय कुमार को स्वच्छ भारत मिशन का न्यू ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है, और वहीं पर अक्षय कुमार की आने वाली मूवी ट्वाइलेट को टैक्स फ्री भी बनाया है। ओके फ्रेंड, तो बस याद रखने वाली ये चीज़ है कि अक्षय कुमार यूपी में स्वच्छ भारत मिशन के ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं। पेबैक इंडिया ने गौतम कौशिक को अपना न्यू सीईओ अपॉइंट किया है। रवांडा के प्रेसिडेंट फिर से री इलेक्ट हो गए हैं, जिनका नाम है पॉल कागमे, और ये इलेक्शन 4 अगस्त को हुआ। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा वोट से जीता है, लगभग इनके सपोर्ट में 98% वोट मिले हैं पॉल कागमे को। तो रवांडा की कैपिटल है किगाली और करेंसी है रवांडन फ्रैंक, और प्रेसिडेंट है पॉल कागमे। इसरो और सीएसआईआर एनपीएल मिलकर एक एमयू साइन किए हैं, जिसमें वो टाइम डोमेन एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन को ट्रैक्स करने के लिए एक सर्विस है, और ये डेवलप कर रहे हैं इस सर्विस को, जिससे टाइम एंड फ्रीक्वेंसी को ट्रैक्स कर सकते आसानी से। तो देखिए, ये एमओयू जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, ये इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च सीएसआईआर, नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा साइन किया गया है। इसमें ISTRAC एक, इसरो दो, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी NPL एंड मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने साइन किया है। ओके फ्रेंड, अभी जो पैरा ओलंपियन है, जिन देवेंद्र झाझड़िया जी, इन्होंने पैरा ओलंपिक में 2 गोल्ड मेडल जीता है इंडिया के लिए, और इनका नाम रिकमेंडेड हुआ है खेल रत्न अवार्ड के लिए।
और सब देखिए जस्टिस सी के ठक्कर जी इस कमेटी अवार्ड सिलेक्शन कमेटी को हेड कर रहे थे। इन्होंने सबसे पहले जेवलिन थ्रोअर देवेंद्र झझरिया का नाम रिकमेंड किया और इनके साथ हॉकी के फॉर्मर हॉकी कैप्टन सरदार सिंह को भी रिकमेंड किया गया है खेल रत्न अवार्ड के लिए। ओके फ्रेंड्स, आज थोड़ा सा बोलने में प्रॉब्लम हो रही है इसलिए थोड़ा धीरे धीरे मैं बोल रहा था। जो भी मेरे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड। ओके, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।